रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर कहा कि ये आज की जरूरत है, इस पर सभी वैज्ञानिक एवं रक्षा संस्थानों को मिलकर काम करना चाहिए। रक्षा मंत्री का बयान ऐसे वक्त में आया है जब चीन से हाइपरसोनिक मिसाइल के प्रशिक्षण की खबरें आ रही हैं। हालांकि चीन ने अभी तक ऐसी किसी खबर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन चीन की हरकतों से भारत, अमेरिका समेत दुनिया के कई देश सजग रहते हैं। 2 महीने पहले भी ऐसी खबर आई थी कि चीन ने हाइपरसोनिक हथियार का टेस्ट किया था। इसका दावा अमेरिका भी कर रहा था। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि क्या भारत के पास ऐसा कोई हथियार है या नहीं, क्या भारत भविष्य में ऐसे हथियार की योजना बना रहा है, क्योंकि अगर रूस और चीन जैसे पड़ोसी देशों के पास ऐसे हथियार होते हैं तो क्या हमारा देश उन हथियारों से सुरक्षा के लिए अपने पास तकनीक रखेगा। आइए जानते हैं। आम भाषा में हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चलने वाला हथियार, यानी जो हथियार हवा में 6115 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सके उसे हम हाइपरसोनिक हथियार कहेंगे। अगर ये हथियार समुद्र में कुछ ऊपर 1220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है तो इस पर हमला करना मुश्किल हो जाएगा। हाइपरसोनिक हथियार की खासियत होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है भले ही टारगेट भाग रहा हो, यानी ये पीछा करके अपने निशाने को ध्वस्त कर देता है। भारत हाइपरसोनिक ग्लाइडर हथियार बना रहा है, उसका प्रशिक्षण भी कर चुका है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल प्रशिक्षण साल 2020 में किया था। इसे HSTDV कहते हैं। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है। जो विमान 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़े उसे हाइपरसोनिक विमान कहते हैं। भारत के HSTDV का प्रशिक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि फिलहाल इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन भविष्य में इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस यान से यात्रा तो की ही जा सकती है, साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते ही बम गिराया जा सकता है या फिर इस यान को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है। रूस और भारत मिलकर BrahMos-2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। इसमें वही स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। ये Mach 7 यानी 8575 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकेगा। ऐसा माना जा रहा है कि ये मिसाइल अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगी।